आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुधवार 9 अगस्त 2023 विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रैली निकाली गई। आदिवासी समुदाय बड़ी तादाद में जिला मुख्यालय सिवनी में एकत्र हुआ। आदिवासी समुदाय के द्वारा बहुत शांतिपूर्वक तरीके से रैली निकाली जा रही थी और उनके द्वारा अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को बहुत ही वजनदारी के साथ रखने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं सिवनी शहर की जनता के द्वारा, उनका कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस भीड़ का फ़ायदा उठाकर, इस भीड़ के अंदर घुसकर उनके द्वारा बलात् यहां पर जबरिया दुकानें बंद कराई गई, तोड़फोड़ की गई, लोगों के साथ मारपीट की गई, दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। इस संबंध में लोगों के द्वारा कोतवाली में भी व्यापारियों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, आवेदन दिए गए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस पूरे मामले में मामला कहां से बिगड़ा, ये तो पुलिस के अन्वेषण का विषय है, पर पुलिस का खुफिया तंत्र यहां कुछ बेबस नजर आया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अब हम सुनाते हैं, यहाँ सुनिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। इसको हिंदू राज ने बनने दे दिया, इसको हिंदू राज ने बनने देंगे। अगर हमने तो ये थे बरघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया, जिनके द्वारा सीधा सीधा चैलेंजिंग वे में कहा गया कि देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया जाएगा। इसको सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी किस रूप में लेती है, कांग्रेस का नेतृत्व इसे किस रूप में लेता है, ये कहना थोड़ा सा फिलहाल मुश्किल होगा। पर यहाँ सिवनी में जो बात निकल कर सामने आ रही है, जो सूत्रों के जरिए जो चर्चाएं चल रही हैं और जो शहर भर में चर्चाएं हैं, उसमें ये देखिए, आदिवासी समुदाय को लोगों का कहना है वे बहुत ही भोले भाले होते हैं, उनके द्वारा इस तरीके की हिंसा शायद ही कभी की गई हो। पर जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही है और जिस तरीके से कुछ युवा, जिनके बारे में लोगों का ये भी कहना था, लोग ये कहते सुने गए कि वे नशे में पूरी तरह धुत थे और उनके द्वारा बाजार के विभिन्न इलाकों में जाकर तोड़फोड़ की गई, उनके द्वारा कुछ हथियार भी लहराए गए। हालांकि हथियार लहराने की पुष्टि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं की जा रही, पर जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो वीडियोस समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया तक पहुंचे हैं, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहां देखिए, जितनी भी भीड़ दिख रही है, कहीं आपको उद्वेलना इनमें नहीं दिखाई दे रही होगी, पर कुछ युवा इसमें इस तरीके का आरोप लोगों का है कि आदिवासियों के बीच वे पहुंचे, कुछ असामाजिक तत्व विघ्न संतोषी वहां पहुंचे और उसके बाद उनके द्वारा बुधवारी, शुक्रवारी, छिंदवाड़ा चौक, इन स्थानों पर जबरदस्त तरीके से तांडव मचाया गया। इसके पहले भी एक बार तांडव इस तरीके का मचाया जा चुका है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। व्यापारियों के द्वारा इस पूरी घटना के बाद पूरे व्यापारी उद्वेलित ही नजर आ रहे थे। आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं रैली चलते हुए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। आखिर इस रैली के से टूटे हुए धड़ों के द्वारा, या रैली के धड़े थे अथवा नहीं, ये कहना थोड़ा सा अभी मुश्किल ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अभी तक कोई इस तरीके की बात सामने नहीं आई कि रैली के ही वे रैली में ही शामिल थे अथवा अलग से कहीं से प्लांटेड थे। बहुत सारी बातें पुलिस के अन्वेषण की का विषय मानी जा सकती है। और सबसे मुख्य बात हम आपको ये बता दें कि सिवनी में, पता नहीं सिवनी के सियासतदार किस तरीके से सियासत कर रहे हैं। सिवनी के 2 सांसद, 4 विधायक, चारों को और दोनों को, ये 6 जनप्रतिनिधियों को ये पता है कि सिवनी में पुलिस अधीक्षक फिलहाल अभी आमद दी है उन्होंने। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद लंबे समय के बाद भरा गया है। SDOP भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, नगर निरीक्षक भी यहाँ से तबादला हो चुका है। तो इस सारे के सारे एक साथ कैसे बदल दिए गए, ये भी शोध का विषय है। एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं अर्जुन सिंह काकोड़िया क्या कह रहे हैं बरघाट विधायक। इसको हिंदू राज ने बनने देंगे। अगर हमने जलाएगा। जलाएगा।
बरघाट के आदिवासी विधायक अर्जुन सिंह काकोलिया के द्वारा जो भी बात कही गई वो हम आपको यहाँ पर हमने आपको बताई। दरअसल यहाँ जिस तरीके का ये देखिए, यहाँ पर ये सज्जन इनसे पूछा गया कि मणिपुर में क्या चल रहा है, मणिपुर आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, तो उनका कहना यह था कि मणिपुर के बारे में ना ही मीडिया में कवरेज दिख रहा है, ना ही कोई बोलने को तैयार है। सवाल यही बात लोगों का के जहन में यही बात है, लोगों का कहना यही था कि आदिवासी नेतृत्व इतना सारा है, फिर वे बात क्यों नहीं उठाते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते भी मंडला के सांसद हैं और इसके पहले भी जब कुरई थाना अंतर्गत आदिवासियों की मौत हुई थी तब भी उसके बाद रैली निकाली गई थी, और पिछले वर्ष भी इस तरीके का लोगों का कहना है कि आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस पर भी इस तरीके की घटनाएं घटी थी। व्यापारियों के बीच इस बात को लेकर जबरदस्त तरीके से रोष असंतोष शाम तक, बुधवार की शाम तक रहा। कोतवाली जाकर उनके द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त भी किया गया, आवेदन दिए जाकर इसमें शामिल असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की बात उनके द्वारा भी कही गई। सवाल यही खड़ा होता है कि इस पूरे मामले में जिन भी लोगों के द्वारा रैली निकालने की अनुमति चाही गई थी उन लोगों के खिलाफ अब तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि जो भी रैली निकालने की अनुमति जिस किसी के भी द्वारा ली गई होगी जाहिर है ये उन्हीं का दायित्व है, ये उन्हीं की उनका ये कहा जाए कि उनका नैतिक दायित्व था, ये उनकी जवाबदेही थी कि रैली शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ संपन्न होनी चाहिए। इसके पूर्व में अनेक बार रैलियों में कई तरह की घटनाएं घटी हैं, उसके बाद प्रशासन के द्वारा जो भी इसके आयोजक हैं उन आयोजकों से लिखवा कर लिया जाता है, उनसे उनका नंबर भी लिया जाता है। एक बार फिर सुनिए अर्जुन सिंह काकोड़िया क्या कह रहे हैं। इसको हिंदू राज नहीं बनने देंगे। अगर हमने बरघाट विधायक के द्वारा क्या कहा गया हमने आपको सुनाया। वैसे आयोजकों के द्वारा जब अनुमति ली गई थी तो अनुमति में उसका रूट भी तय किया होगा, कहां कहां से जाएंगे और कितने लोग कहां से आएंगे। पुलिस का खुफिया तंत्र भी इस मामले में कहीं ना कहीं लगा रहा होगा। पुलिस को अपनी व्यवस्थाएं करके रखनी थी, इस तरीके की बात व्यापारियों के बीच में चल रही थी। ये हम आपको पूरा नज़ारा बुधवार 9 अगस्त 2023 विश्व आदिवासी दिवस के अवसर का हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके की घटनाएं घटी उन्हें निंदनीय कहकर इतिश्री नहीं की जा सकती। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।